वेलकम टू इंग्लिश एजुकेयर डेस्क। इंग्लिश एजुकेयर डेस्क पे आपका स्वागत है। इंग्लिश में एक शब्द है आपका क्लोज्ड, CLOSED, क्लोज्ड। तो इस वीडियो में क्लोज्ड का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, हिंदी में समझेंगे और इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स देखेंगे और एग्जाम्पल भी से देखेंगे। लेकिन जो एग्जाम्पल होगा आपका क्लोज्ड का, वो सेम सेंटेंस में इसके सिनोनिम्स को भी एग्जाम्पल में प्रयोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। क्लोज से क्लोज्ड बना है। क्लोज्ड जो है ये सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है क्लोज का। पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव के तरह प्रयोग होता है। तो क्लोज्ड का अर्थ होगा, मतलब होगा बंद किया हुआ। कोई चीज अगर बंद है तो उसको हम क्लोज्ड बोलते हैं। समाप्ति या समाप्त, सेवा खत्म। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स आते हैं शट, लॉक्ड, सील्ड, अनओपेंड या अनओपेन। अब एग्जाम्पल से क्लोज्ड शब्द को समझते हैं, फिर इसके सिनोनिम्स को सेम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे बोलेंगे द डोर वॉज क्लोज्ड व्हेन वी गॉट देयर। जब हम वहां पहुंचे तो दरवाजा बंद था। क्लोज्ड का मतलब बंद। चलिए अब इसके सिनोनिम्स को सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे बोलेंगे द डोर वॉज शट व्हेन वी गॉट देयर, द डोर वॉज लॉक्ड व्हेन वी गॉट देयर, द डोर वॉज unopened या unopened when we got there। जब हम वहां पहुंचे तो दरवाजा बंद था। तो closed का अर्थ और मतलब है shut, locked, sealed, unopened। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।